नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार और आज हम बात करते थे दाम्पत्य जीवन में कलह के मुख्य कारण इस प्रकार है। लड़का और लड़की के पत्री में सप्तम भाव में शनि का होना या गोचर करना एक कारण है। दूसरा कारण ये है किसी पाप ग्रह की सप्तम या अष्टम भाव में दृष्ट होना या राहु केतु अथवा सूर्य का वहाँ बैठना। इसके अलावा पति पत्नी की 101 तरह की दशा अगर चल रही है ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। शनि की सारे साथी का चलना, पति पत्नी का दोनों का एक साथ शनि का सारे साथी अगर चल रहा है, इससे भी तलाक का कारण बन जाते हैं। इसके साथ साथ एक कारण और है, शुक्र की गुरु में दशा चलना और गुरु में शुक्र की दशा का चलना भी एक कारण है। अभी एक कारण और भी है, अगर कलह का कारण शनि ग्रह से संबंधित है तो शनि ग्रह की शांति कर सकती है, शनि यंत्रों पर जप कर सकते हैं और शनि की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सात मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ये उपाय शनिवार के सायंकाल के समय करना ठीक रहता है। इसके अलावा अगर गृह कलह राहु से संबंधित हो तो राहु यंत्रों पर राहु के मंत्रों का जप करें और आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये सभी प्रकार के कलह वो बाधा से मुक्त करता है और राहु के दुष्प्रभाव का निवारण करता है। इसके लिए राहु का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गृह कलेश और का कारण केतु ग्रह हो तो उसकी वस्तुओं का दान एवं उसके मंत्रों का जप करना चाहिए। केतु यंत्रों पर पूजा करें, गणेश मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसे में नौ मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं ऐसे में। और अगर गृहस्थ जीवन में कलह किसी पराई स्त्री की वजह से हो रहा है तो उनको उस चीज़ का उपाय करना चाहिए और इसमें होता है एक्वामेरिन जेमस्टोन धारण करना चाहिए। नीलम और हीरा भी धारण कर सकते हैं। इसमें वशीकरण जंत्रों पर जप करके भी कलहों को समाप्त कर सकते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष भी इसमें बहुत ज़्यादा धारण कर सकते हैं और साथ ही शीघ्र प्रभाव के लिए मातंगी यंत्रों भी अपने घर में पूजा के स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। कई बार देखने में आता है कि वो ग्रह की परेशानी तो है ही ना ही जो पत्री में दशा एवं गोचर की स्थिति खराब है, फिर भी गृह कलह है जिसके कारण के बाद तलाक तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में ये धारणा होता है कि किसी ने कुछ जादू टोना अर्थात तांत्रिक उपाय तो नहीं कर दिया। अगर ऐसा लगे कि ऐसे इस तरह की अगर किसी ने तांत्रिक उपाय किया है तो उसमें क्या करना चाहिए ये जानते हैं। तो आपको घर में पूजा स्थान में बाधा मुक्ति यंत्र स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में सोमवार को उत्तर दिशा में मुख करके पति और पत्नी गौरी शंकर की रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अलावा पत्नी एक्वामेरिन धारण करें और पति नीलम और साथ में हीरा धारण उनको करना चाहिए। शयन कक्ष में शुक्र यंत्र की स्थापना करना चाहिए। देखिए ये सब निर्भर करती है पत्री का के अनुसार, हॉरोस्कोप की अनुसार किसको क्या चीज़ पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, किनको कौन से उपाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये अच्छे पंडित के पास ही जाके दिखाना चाहिए। इसके अलावा बाधा मुक्ति यंत्र की स्थापना एवं रोज सुबह पूजा पाठ करना चाहिए। शनि ग्रह के कारण विवाह में बाधा आ रही है तो लड़के या लड़की को सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अलावा शनि ग्रह की वस्तुएं दान करना चाहिए। शनि यंत्रों पर शनिवार से शुरू करके रोज के मंत्रों का जप करना चाहिए, जैसे ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्रों का जप करना चाहिए। सूर्य के कारण अगर विवाह में बाधा आ रही है तो सूर्य यंत्रों को अपने घर में स्थापित करके सूर्य मंत्रों का जप करना चाहिए। ये रविवार से शुरू करके रोज करना चाहिए। सूर्य के वस्तुओं का दान करना चाहिए। तांबे की एक लोटे में गेहूँ भरकर रविवार के सुबह 6 से 8 बजे
तक के बीच में दान करना चाहिए। रविवार को एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। राहु ग्रह के कारण विवाह में अगर बाधा आ रही है तो, अगर विवाह में राहु ग्रह के कारण बाधा आ रही है तो आपको उपाय करना चाहिए, आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। राहु यंत्र को अपने पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए। रविवार को जो लेकर रविवार के दिन दान करना चाहिए, किसी गरीब का पान मसाला दान करना चाहिए किसी गरीब को, और गुरुद्वारे में या फिर किसी भी धर्म स्थान पे जूता चप्पल की सेवा करना चाहिए। चलिए, ये तो आपने जान लिया कैसे विवाह में अगर प्रॉब्लम आते हैं तो कौन से ग्रह की प्रॉब्लम आते हैं तो क्या क्या उपाय करना चाहिए। ऐसे में आप लोगों के सामने और भी पूजा पाठ काला जादू की टोटके लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाजत दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।